गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं, है ना? और आपने हॉलिडे एंजॉय किया, छुट्टी एंजॉय की सबने, है ना? और जो मैम जूम क्लास में पढ़ा रही हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं ना आप सब? वेरी गुड। तो ये बताइए, हमने हमारी हिंदी की लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए क्या पढ़ा था। ये देखिए मैम क्या बना रही हैं, ये क्या बनाया मैम ने, जल्दी से बताओ मुझे ये क्या बनाया है मैम ने। वेरी गुड, अ से अनार। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अ से अनार, है ना? हम सभी ने पढ़ा था ना अ से अनार। और अ से अनार के बाद आता है क्या? बड़ा आ। क्या आता है? बड़ा आ। जल्दी से बताइए क्या आता है? बड़ा आ। और बड़ा आ से क्या होता है, जल्दी से देखिए मैम ने कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर बनाई है, है ना? तो जल्दी से बताइए बड़ा आ से क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे। वेरी गुड, बड़ा आ से होता है, कौन कौन खाता है मैंगो? कौन कौन खाता है जल्दी से बताइए। मैम ने उस दिन दिखाया भी था। और मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं, मैम ने बताया था ना? हाँ, मैंगो को हिंदी में कहते हैं आम। क्या कहते हैं? तो बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आम। आम खाए हैं ना हम सब ने, बहुत मीठे मीठे से होते हैं, येलो कलर के होते हैं। वेरी गुड। तो छोटा आ से क्या था? छोटा आ से अनार, बड़ा आसे आम। अच्छा, बड़ा आसे एक और चीज होती है, चलिए मैम आपको कुछ दिखाती हैं। ये क्या है? सबको पसंद है ये, सब्जी खाते हैं हम इसकी। कौन सी वेजिटेबल है ये, जल्दी से बताइए कौन सी वेजिटेबल है, जल्दी से बताइए मैम को। वेरी गुड, ये तो आलू है। ये क्या है? ये तो आलू है, है ना? तो देखिए बड़ा आ से आलू भी होता है, बड़ा आ से आलू भी होता है। और ये क्या लिखा है, किसी को पता है ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए मैम ने क्या लिखा हुआ है? हाँ, जल्दी से बताइए मैम ने क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा नंबर है, ये किसी को पता है? ये है नंबर आठ, नंबर आठ। तो बड़ा आ से आठ भी होता है, आठ। तो अभी हमने क्या देखा, बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आठ, बड़ा आ से आलू। अच्छा ये बताइए, ये किसकी पिक्चर है, किसकी पिक्चर है? आग। तो बड़ा आ से क्या होता है? आग भी होता है, बड़ा आ से आग भी होता है, ठीक है? तो आपने सीखा बड़ा आ से कितनी चीजें होती हैं, बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आठ, बड़ा आ से आलू और बड़ा आ से आग, ठीक है? अच्छा, अब आपको मैम ने बताया था कि लिखते कैसे हैं, बताया था ना मैम ने कैसे लिखते हैं, बताया था ना? चलिए तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं बड़ा आ, ठीक है? तो मैम ने आपको कर्व बनाना सिखाया था, छोटे आ से अनार में कर्व बनाना सिखाया था ना मैम ने? तो आइए देखते हैं, और हिंदी में कितनी लाइंस होती हैं? 5 लाइंस होती हैं, ठीक है? तो मैम आपको पहले ऐसे लिख के दिखाएंगी, फिर लाइन पे लिख के दिखाएंगी, ठीक है? तो पहले हम बिना लाइन के लिखना सीखते हैं बड़ा आ, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले एक बनाइए कर्व, एक कर्व बनाइए सब लोग, कर्व बनाइए, बना लिया सबने कर्व? एक और कर्व बनाइए, है ना, बनाया सबने? फिर हम एक स्लीपिंग लाइन बनाते हैं, बताया था ना मैम ने स्लीपिंग लाइन? फिर हम क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और फिर एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे,
तो ये बन गया बड़ा आ। ये क्या बन गया? ये बन गया बड़ा आ। एक बार फिर से सीखते हैं। एक कर्व, फिर एक और कर्व, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया बड़ा आ। ये क्या बन गया? ये बन गया बड़ा आ। ठीक है, सबने देखा कैसे बना था? चलिए अब लाइन पे बनाना सीखते हैं। देखिए, आप सबकी कॉपी में ऐसे लाइनें दे रखी हैं ना, ठीक है? तो मैम ने आपको बताया था कि हिंदी में जब पांच लाइनें होती हैं तो बीच की तीन लाइनों में लिखते हैं। तो देखिए, पहला कर्व ऐसे, फिर एक और कर्व, फिर एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया आपका बड़ा आ। क्या बन गया? ये बड़ा आ। और बड़ा से क्या होता है, जल्दी बताइए। बड़ा से होता है, वेरी गुड, आम। एक और देखिए, एक कर्व, एक और कर्व, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक और स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया आपका बड़ा आ। देखा आपने कैसे बनाते हैं बड़ा आ। चलिए अब हम अपनी बुक के थ्रू कुछ पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बड़ा आ से आम, बड़ा आ से आम। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बड़ा आ का स्टीकर जो आपकी किताब के पीछे है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए बड़ा आ से क्या होता है, जल्दी से बताइए। बड़ा आ से आम, बड़ा आ से, वेरी गुड, आठ। बड़ा आ से आलू, बड़ा आ से आग। आया समझ में? एक बार फिर से पढ़ते हैं। बड़ा से आम, बड़ा से आठ, बड़ा से क्या है ये, आलू, और बड़ा से आग, है ना? आपकी हिंदी कलरिंग बुकलेट आपको पसंद है ना, ये वाली बुक? आई नो। तो अभी हमने छोटा से अनार पे कलर किया था ना। अब छोटा से अनार के बाद क्या आता है, मैम ने अभी आपको पढ़ाया था। छोटा से अनार के बाद आता है बड़ा आ, बड़ा से आम। तो जल्दी से, आम किस रंग का होता है, जल्दी बताइए। आम तो पीले रंग का होता है, तो पीला रंग आपको करना है यहाँ पे, जैसे मैम ने किया है। यहाँ पे आपको पीले रंग का आम बनाना है और यहाँ पे भी इसको कलर करना है। तो ये आपका है होमवर्क। ओके बच्चों, चलिए अब एक वीडियो देखते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा ना, आज क्या पढ़ा हमने, ये कौन सा वर्ण है आज पढ़ा हमने? बड़ा से आम। बड़ा से आम से पहले क्या पढ़ा था हमने? छोटा आ। तो छोटा आ से अनार, बड़ा आ से, वेरी गुड, आम। छोटा अ से अनार, बड़ा से आम। छोटा अ से अनार, बड़ा से आम। ठीक है।